ट्रांजिशन टैब, स्लाइड व्यू टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, मास्टर स्लाइड्स। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म ऑफ मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम करती हूँ। होपफुली आप लोग सब यहाँ पर वीडियोस देख रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और डेफिनेटली इस पर वर्कआउट भी कर रहे होंगे। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है पावर पॉइंट के हवाले से। हमने पावर पॉइंट में कल जो सीखा था उसमें हमने डिफरेंट स्लाइड्स बनाना सीखी थी कि हम स्लाइड्स बनाते हैं, फिर एक स्लाइड्स को दूसरी स्लाइड के साथ किस तरह हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसमें हम डिफरेंट टैब्स के बारे में पढ़ रहे थे। हर टैब का अपना एक फंक्शन होता है। हम टूल बार में जाते हैं या मेन्यू बार में जाते हैं, वहाँ पर हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। चीज़ें जो हैं वो आपकी बनी बनाई होती हैं, यूज़र फ्रेंडली होती हैं। आपने जस्ट उस पर ये देखना होता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। आपने एक स्लाइड बना ली, एक स्लाइड को अगर दूसरी स्लाइड के साथ अटैच करना है या उसमें आपने ग्राफिक या इमेजेस को आपने चेंज करना है, तो हम इन स्टैब्स के बारे में बात करते हैं। आज जिस टैब के बारे में हम बात कर रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन उसी तरह आ जाती है, आपने क्लिक करना होता है। आपके पास ऑप्शन आ गए। इन ट्रांजिशन टैब यू कैन सेट अप द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन स्लाइड टू एंड द अदर। जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, जो आपने टेक्स्ट, जो आपने बैकग्राउंड, जो आपने इमेज, जो आपने चीज़ें चेंज करनी होती हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो। द डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी स्पेशल इफेक्ट। इसमें लाजमी नहीं है क्योंकि खास स्पेशल इफेक्ट्स हो। इसमें आप डिफरेंट आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो इफेक्ट्स हैं, एक्साइटिंग है, बेसिक आपके पास आ रहा है, बाउंस आ रहा है, फ्लिप आपके पास आ रहा है, आपके पास ड्रॉप आ रहा है, इमर्जिंग आ रहा है, जो आपको चाहिए होता है आप उसको सिलेक्ट करते हो। बैकग्राउंड पर वो डिस्प्ले पर आ जाता है और उसको हम जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपका चीज़ यूटिलाइज हो जाती है। डेट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टैब। ये आपकी ट्रांजिशन टैब कहलाती है। ये आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन। डिज़ाइन के बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन आता है ट्रांजिशन का आता है। देन हम पढ़ते हैं स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब का मतलब होता है कि जो स्लाइड आपको नज़र आ रही होती है, जो स्लाइड्स आपने बनाई हैं, एक बनाई हैं, 10 बनाई हैं, जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई हैं, ए प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्लाइड्स क्रिएटेड इन पावर पॉइंट वन आफ्टर अनदर। एक के बाद एक जो स्लाइड हम बनती है वो आपकी जो है स्लाइड शो कहलाती है। इन स्लाइड शो प्रेजेंटेशन इन द फुल स्क्रीन मोड। आप इसको फुल स्क्रीन मोड में भी देख सकते हो। आपको कोई टाइटल बार, मेन्यू बार कुछ भी नज़र ना आए, जो स्क्रीन आपने बनाई है उसमें जो इमेज, जो आपने साउंड, जो भी क्रिएशन किया है वो आपको नज़र आने चाहिए। आप फाइल, होम, उसमें भी आपको पास एरो का साइन है उस पर क्लिक करें, स्लाइड शो आपके पास आ जाता है। जब आप स्लाइड शो पर करते हैं क्लिक तो आपके पास चीज़ आ जाएगी। स्लाइड शो टैब कंटेन टूल्स फॉर सेटिंग अप द व्यू इन द स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन को शो करता है और ये सारी चीज़ें। आपके पास ऑप्शन आ जाती है रिव्यू टैब की। रिव्यू के पास आपके पास ये देखें, रिव्यू के ऑप्शन है। रिव्यू टैब कंटेन्स टू हेल्प प्रूफ योर डॉक्यूमेंट्स लाइक द स्पेल चेक एंड थ्रेयर। आपने ये चीज़ चेक करनी होती है कि कोई आपकी ग्रामेटिकल या कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। थ्रेयर का मतलब है कि अगर आप कोई वर्ड को एक्सचेंज करना चाहते हैं या उसकी जगह पर कोई और वर्ड को लेके आना चाहते हैं तो हम रिव्यू टैब में कर सकते हैं। देन आपके पास ऑप्शन आती है व्यू टैब की। व्यू होता है कि किस तरह आपको स्लाइड्स नज़र आ रही होती हैं। इट कंटेन्स द ग्रुप ऑफ टूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग द व्यूइंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपने जिस तरह डॉक्यूमेंट्स देखना है, मैनिपुलेटिंग का इस तरह का हमारा काम चल रहा है, वो आप व्यू टैब में देख सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप्स एंड द जूम टूल्स, बट देयर आर आल्सो टूल शो हाइड आइटम्स। आप जूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आती है कि आप उसको हाइड कर सकते हैं, आप उसको छुपा सकते हैं, लाइक द स्लाइड रूलर एंड ग्रिड लाइंस वगैरह। ये सारी चीज़ आपके पास आती है। व्यू टैब आपके पास ऑप्शन बना हुआ आता है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं, जो आप अमेंडमेंट्स चाहते हैं वो सारी अमेंडमेंट इसमें हो सकते हैं। देन हम बात करते हैं स्लाइड मास्टर्स की। यूज़ द स्लाइड मास्टर फीचर्स इन पावर पॉइंट टू डिस्प्ले द कॉन्सेप्ट इन द प्रेजेंटेशन बाय एडिंग वन स्लाइड फॉर्मेट टू नेक्स्ट स्लाइड। आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब आप जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइड मास्टर। आपके पास आप होता है कि देखें, एडिंग अ न्यू स्टाइल, आपने क्या नया स्टाइल उसमें परफॉर्म किया, फॉर्मेट क्या है एक स्लाइड से, और आप इस तरह उसको अप्लाई करते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइड मास्टर्स। हम बात करें अपने न्यू टॉपिक की, विद दिस स्लाइड मास्टर फीचर यू कैन। फीचर्स का मतलब होता है क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या खसूसियात हैं जो एक स्लाइड बनाते हुए हम देखते हैं, ठीक है। हमने स्लाइड्स बनाने होते हैं, लेट्स सपोज चेंज द डिफॉल्ट टाइप फेस स्टाइल एंड कलर फॉर ऑल द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंटेशन के अंदर जो कलर्स, जो बैकग्राउंड, जो इमेजेस वगैरह को चेंज करना होता है,
आप इजीली उनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर ऐड कंपनी लोगो नेम, आप अपने कंपनी का लोगो नेम अगर आपने चेंज करना, अगर आप किसी पब्लिशिंग कंपनी में हैं, ऑफिस में हैं, कोई डेट चेंज करनी है, टाइम चेंज करना है, तो ईजिली आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। हेडर फुटर नोट्स फॉर द स्लाइड इन द ऑल प्रेजेंटेशन, अगर आपने हेडर फुटर स्लाइड्स को चेंज करना है, हेडर मैंने आपको बताया था सबसे टॉप पे चीज़ होती है, फुटर सबसे बॉटम पे चीज़ होती है, और नोट्स वगैरह होते हैं जो हम प्रेजेंटेशन में चेंज कर सकते हैं। टू चेंज स्लाइड मास्टर क्लिक ऑन द स्लाइड मास्टर बटन इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप एंड मेक डिजायर्ड क्लिक ऑन द मास्टर व्यू बटन टू फिनिश। आपने मास्टर व्यू बटन पर करना होता है, जब ये सारे काम आप कर लेते हैं, मास्टर व्यू बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी बन जाती हैं। ठीक है जी, आप मास्टर स्लाइड मास्टर पर क्लिक करेंगे, जैसे हमारे पास ऑप्शन शो हो रही है स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ये करने के बाद जो भी आप इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो भी आप चेंजिंग्स करना चाहते हैं, आप उसमें आराम से चेंजिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंटिंग अ स्लाइड शो। जब आपने काम कर लिया तो उसको हमने प्रिंट भी तो करना है। ठीक है, सेलेक्ट प्रिंट फ्रॉम द फाइल, आपने फाइल पर जाना है, फाइल टैब पर, फाइल टैब पर गए, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही होती है प्रिंट की, चूज़ अ वैरायटी ऑफ प्रिंटिंग ऑप्शन। चूज़ अ वैरायटी ऑफ प्रिंटिंग ऑप्शन का मतलब है कि जितने भी आपको प्रिंट्स चाहिए हैं, एक चाहिए या मल्टीपल प्रिंट्स चाहिए, वो आप ले सकते हैं। कलर है, कलर प्रिंटर में चाहिए या जिस तरह भी आपको चाहिए। अंडर प्रिंटर ऑल स्लाइड शूज, ऑल स्लाइड ट्रंट स्लाइड स्पेसिफिक रेंज फ्रॉम 2-6 वट एवर। अब आपके पे डिपेंड करता है कि आपको करंट स्लाइड की सिर्फ प्रिंट चाहिए, जितनी स्लाइड्स बनाई हैं उनकी चाहिए, एक्टिव स्लाइड्स की चाहिए, या आपको रेंडमली कोई चाहिए, या आपको कंजेक्टिव चाहिए, तो जो जो हम करते हैं उस पर बात करते हैं। अंडर फुट प्लेस स्लाइड यू कैन चूज हैंड आउट योर ऑडियंस टू टेक प्रिंटेड ऑफ योर प्रेजेंटेशन विद देम। हे यू कैन चेस मैनी स्लाइड्स पर पेज, आपको जितने भी पेजेस चाहिए होते हैं आप उन पेजेस को प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उस पर आराम से उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। ये आपके पास शो हो रहा है, फाइल पे हम गए, वहाँ पर प्रिंट गए, प्रिंट के पास आपके पास डिफरेंट टॉपिक पास ऑप्शन आ रही हैं, आपने जितने भी प्रिंटर के प्रिंट लेने होते हैं उसको ले लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। होपफुली स्टूडेंट आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और आप इसको इंस्टॉल करें, इस पर वर्कआउट करें। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप इस पर काम करें, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ऑडियो वीडियो और उसमें क्रिएटिविटी सीखने को मिलेगी। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।